अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मुतालिक। आज 30 जून 2021 और बुध का दिन है। इससे पहली वीडियो लाइव थी और मोबाइल जो है ना उसके ऊपर हम तो खैर छांव में खड़े हैं, मोबाइल के ऊपर सीधी धूप पड़ रही थी तो ओवर हीट की वजह से लाइव वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, उसके लिए माजरत। तो ओमान में पिछले 24 घंटों में 2009 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए और 44 वफात हुई। इन लिल्लाह राजून, इससे बाकी तमाम डिटेल उस वीडियो में शेयर की जा चुकी पहली में। और बाकी है, ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक वीजा के हवाले से या एयरपोर्ट हवाले से कोई अपडेट नहीं दी। और दूसरी लॉकडाउन के हवाले जो खबरें चल रही कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं दी कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा कब होगा। अगर कुछ ऐसा मूवमेंट हुई भी तो इस वीकेंड पे पता चल जाएगा कि किस डेट को क्या सख्ती होने जा रही है, क्या मुकम्मल लॉकडाउन होगा नहीं होगा। तो अभी तक इन तमाम खबरों के मतलब कोई भी अपडेट नहीं है। वीजा अपने की कोई डेट नहीं दी गई, फ्लाइट ऑपरेशन की कोई डेट नहीं दी गई और लॉकडाउन की अभी तक कोई डेट नहीं दी गई, कोई कंडीशन शेयर नहीं की गई। उसके अलावा है वैक्सीन के हवाले से फिर रिपीट कर दें, ओमान गवर्नमेंट ने ओमान में आने के लिए अभी तक वैक्सीन का कोई रूल नहीं बनाया कि आपने आना है तो यही वैक्सीन लगी होगी तो आने की इजाजत है, एक डोज दो डोज इस तरह की कोई अपडेट नहीं है। बाकी ओमान में जो वैक्सीन लग रही है सिनोवैक, स्पुटनिक, एस्ट्राजेनेका और फाइजर की बायोनटेक, ये लग रही है ओमान में। बाकी क्या है कि आने वाले दिनों में मजीद लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाने का अमल तेज कर दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ओवरकम किया जा सके इस बीमारी के ऊपर, इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। तो अपना ख्याल रखें। और उसके बाद है जी और क्या इम्पोर्टेंट करंट न्यूज है, ऑलमोस्ट मैंने पहली जो लाइव वीडियो उसमें तकरीबन तमाम चीजें शेयर की जा चुकी हैं और जिन दोस्तों के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाए उसके लिए माजरत। और जैसे कि मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।